मंत्री जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? लेकिन सोचती हूँ कि कहीं आप मेरी बातों को बुरा ना मान जाए। आप कहना क्या चाहती हैं? मंत्री जी, आप तो जानते हैं कि आज भरे दरबार मेरी बहुत तौहीन की गई है, इसलिए दिवाकर सिंह अपने बेटे रमन को लेने गया है। आप उस रमन को इतना मारना कि वो हराम ज्यादा हरे दरबार अपने प्राण त्याग। लेकिन ये सब करने से हम लोगों का सिर्फ फायदा क्या है? क्या क्या होगा भाई? मंत्री जी, फायदा इसमें आपको फायदा ही फायदा है। देखो, अगर आप रमन को मिटा दोगे, उसके बाद पायल की कहीं शादी कर दोगे, बाद में बच्चे का बुढ़े को मौका मिलते ही किसी दिन मैं उसे मौत की घाट उतार दूंगी और तुम्हें इस रियासत का महाराज बना दूंगी। सोच रहे और समझ रहे मंत्री जी, फैसला आपके हाथ में। बात तो कुछ हद तक ठीक कही है। तो फारवट हल से तो नहा लू, मैं जा रहा हूँ। विश्वास कहाँ है? लेकिन बात ये है कि बात ये कुछ कहे ठीक है, लेकिन मुझे औरतों की बात पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि औरत जात बबुर की छाही, कब हूँ हाँ कब हूँ नारी। इसीलिए इससे पहले मार रही, देखिए आप कैसे तो मुझे स्वीकार है, लेकिन जो तुम ये कहनी हो कई इस वादे से मुकर तो नहीं जाओगे। देखो मंत्री जी, मैं जो वादा करती हूँ मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरूंगी, और आप भी वादा करें कि आप अपने वादे से कभी नहीं मुकरेंगे। ठीक है महाराज जी, अगर हम नहीं मुकरूंगी तो ये गजराज सिंह मना करता है कि तुम्हारा साथ हमेशा निभाऊंगा। पक्का? पक्का। ये सारी बात महाराज से मैं तुम क्या बताओगे? महाराज से बताओ कि तुम्हारे मेहराज को मंत्री फंसा रहे, तुम्हें हमारा फायदा हो चाहिए। क्या बात है? तुम राजा बनोगे, ये तो महारानी है, हम ना बने। शिवाई, आज से मैं जितने भी यहाँ का सम्राट बन गया तब मैं तुझे मंत्री बना दूंगा। मंत्री ना बना, अगर तुम राजा बन जाओ तो हमका बनाओ यहाँ के पकलंडी के सभा पाठ। पागल, ये किस काम में आता है? सारा उधूम तो यही जो होता है। क्या काम है? एक एक गाँव में कौ गाँव अगर साखिया बना तो उनका फटवाए के नहरिया बनवा दिए। अच्छा, कौ द्वारे फूटा का उनके फूटा उजाड़ जाओ है, कौ के नाम दान बहा तो वहाँ ईटा उचे दिए, पनारा फोट जाओ है, कौ के भैंस लाकर तो उनका चुके फूट पी जाए, कौ के नीक नीक मेहरा लोगा उठा जाए। ऐसे कर्म करोगे ना तो बहुत मारे जाओगे। और तुम जो कह रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ? दूसरे के मेहराज में फंसा मार रही। चले, और हम दिवाकर सिंह के आने का इंतजार करते हैं। शिष्य को दिवाकर सिंह अपने बेटे को लेकर आएगा, रमन को रास्ते से मार रहा होगा। ठीक है मंत्री जी, लेकिन क्या बताओ मंत्री जी, जब से मैं शादी करके इस बुढ़े के महल में आई हूँ ना, तब से ये बुढ़ा है कि फिर कर सो जाता है और मेरी जवानी का ख्याल ही नहीं करता। मेरे राजा, क्या बताऊँ, वही चिंता पे बलपाती रहती हूँ। वो चमन में गया था सिर्फ घुमाने के लिए, वहाँ कितने मच्छर थे तुमको पता है? ओ मेरी ये चलती जवानी तड़पे।
ने छुटे हमार गलती रहे मान ले आमे मा सीता फारा होई के नीचे खड़े अच्छा हवा चल रही है मान ले हमारे हाथे में आए के छुई का तो छूसा तो हम आई तुमने छुटे हो नियत लगाए रहते हो कि मौका मिल जाए तो मैं झाटल दे तुम्हार आमा तू मैं करता और राधिका का लाग डाओ कुमारियों का लाग डाओ।